पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ना कोई सगा संबंधी साथ आया और ना ही कोई रिश्तेदार। इसके बाद भी हादसे के चार दिन बाद छत्तीसगढ़ से पहुंचे सुरजीत ने हार नहीं मानी। बहन कुलजीत की मौत की खबर मिली तो कोतवाली में वो गश्त खाकर गिर पड़ी। लोगों ने समझाया, पुलिस ने न्याय का भरोसा दिया तो उसने खुद को संभाला, हिम्मत बंधाई। उसे पता था कि उसकी बहन अपने हक के लिए लड़ रही थी। सुरजीत खुद अविवाहित है, उसने एक बहादुर महिला की तरह हालात का डटकर सामना किया। बहन की अंत्येष्टि कराई और पंजाबी समुदाय को साथ लेकर कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जीजा हरचरण सिंह उर्फ छोटू सरदार और अन्य आरोपियों को जेल की सलाखों में भेजा। सुरजीत की दिलेरी का हर कोई कायल है। रात को 10:30 बजे मतलब जीजा जी इंफॉर्मेशन दिए, जिनका नाम है रिंटू। उन्होंने बताया कि मतलब दीदी का एक्सीडेंट हो गया है और उनके सर में चोट लगी और वो आईसीयू में है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनकी डेथ रात ही हो गई थी। तो क्या आपको शक है किसी पे? क्या बोलूँगी, तो मैं बोलूँगी जीजू पे ही है, क्योंकि जीजू ने जैसा मुझे धमकी दिया था या दीदी को जैसा वो धमकाते थे, इतनी बार जो भी पहले भी बात हुई थी कि मतलब अकेले आती जाती है, तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कहीं पर भी ट्रक के सामने आ जाएगी, बच्चे को देख। आखिरकार वही हुआ जिसका शक था। कुलजीत कौर की मौत हादसा नहीं हत्या थी। हत्या भी पति ने ही करवाई थी। उसने 7.5 लाख की सुपारी देकर भाड़े के 3 हत्यारों से कुलजीत को ठिकाने लगवाया। पुलिस ने पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। टक्कर मारने वाली कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। कोतवाली परिसर में SSP सुनील कुमार मीणा ने बताया कि 7 मई शाम हरचरण सिंह उर्फ छोटू सरदार ने भाड़े के 3 लोगों की मदद से अपनी पत्नी कुलजीत कौर की कार से कुचलकर हत्या कर दी। हरचरण सिंह ने अपने इकबालिया जुर्म में बताया कि अपने बिजनेस पार्टनर खटीमा निवासी लक्ष्मण भाटिया को आपबीती सुनाकर अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। लक्ष्मण सिंह भाटिया ने नानक मत्ता में रहने वाले नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू और पिंटू के ड्राइवर छिंदर सिंह उर्फ छिद्दा निवासी केला खेड़ा US नगर से हरचरण को मिलवा कर हत्या का ताना बाना बुना। कार की जबरदस्त टक्कर से उसे मारने का प्लान बनाया गया। तय किया गया कि 7 मई की रात 8 बजे जब कुलजीत शिवालिक पुरम स्थित अपने कमरे को जाने के लिए सड़क पार करेगी, तभी कार की टक्कर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन कुलजीत शिवालिक पुरम कॉलोनी से कुछ पहले ही उतर गई और अपने वकील से मिलने चली गई। इसके बाद जैसे ही घर जाने के लिए सड़क पर आई तो कार ने कुचल दिया। 7.5 लाख के सौदे में छोटू ने 3,10,000 रुपए अभियुक्तों को एडवांस में दिए। पुलिस ने चारों आरोपियों को IPC की धारा 302, 201, 506, 34 और 120B के तहत चालान कर जेल भेज दिया। 7 तारीख को हमारे यहाँ पे एक महिला के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद शक व्यक्त किया गया था कि ये एक्सीडेंट प्लान्ड है और ये हत्या के लिए एक्सीडेंट किया गया है। उसी आधार पर हमने जाँच शुरू की थी। मृतका की बहन ने आकर यहाँ पर उसके पति के खिलाफ एक हत्या की तहरीर दी थी कि इसने एक्सीडेंट करके मेरी बहन को मरवा दिया है। उसी आधार पर जब पति को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और हत्या में शामिल और 3 लोगों का नाम उसने बताया। इन लोगों ने, ये पुराने एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं, और इन्होंने एक कार जो थी उसके टक्कर मार के प्लान्ड वे में उसकी हत्या को कारित किया। उसमें हम लोगों ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, जो मृतका का पति है, जो एक्यूज्ड है हमारा, उसने बताया कि मृतका से उसका तलाक का एक केस चल रहा है और मृतका ने भी 125 का उसके ऊपर वाद दायर कर रखा है, मगर मृतका उसको तलाक देना नहीं चाहती थी। और उसने जो उसका घर है जो उसने अपने लिए खरीदा और प्लॉट है, उस पर भी मृतका ने कब्जा कर रखा था, तो उन सारी चीज़ों को छुड़ाने के लिए उसने उसकी हत्या करना उचित समझा। जो इसने कहा है एक्यूज्ड के अनुसार कि इसमें 7 लाख रुपए का लेन देन की बात देने की बात सामने आई है कि जो मारने वाले हैं जो उनको 7 लाख रुपये